तो गाइस हम लोग आज निकल रहे हैं भिंड के फेमस छोले भटूरे खाने और गुप्ता चाट खाने के लिए निकल रहे हैं। ये मेरा दोस्त है शिवा। अच्छा आ रहा है आईफोन में आपके पास, तो यार लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी आता है बार-बार। अच्छा आ रहा है अभी आईफोन का प्रमोशन नहीं करना इधर अपन को। तो आज कहाँ आए हम शिवा? छोले भटूरे, छोले भटूरे खाने। हाँ अच्छा, वो फेमस है वहाँ के ना? कहाँ से फेमस? अरे यानी बाजार में फेमस छोले भटूरे वाला है। एक एवरेज है लेकिन फेमस तो नहीं कह सकते यार। यार फेमस ही बोलो यार, कितने लोग खाते हैं, हजारों लोग आते हैं यार खाने के लिए। हाँ कुछ भी कह लो, चलो वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना फेमस है या फिर नहीं। फेमस तो है भाई, तभी तो जा रहे हैं अपन लोग, फेमस वाली जगह भी जाते हैं अपन लोग। हाँ फेमस वाली जगह पे जाते हैं और क्या, वही जा रहे इतना कैसे तो चलाओ ना जरिए से, फेमस ही है। कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? चलो बस लगेगा कम से कम वही 8-10 मिनट लगेंगे बस। क्या बताओ ये अपनी बस स्टैंड से जहाँ अपन जा रहे हैं कितना किलोमीटर, मतलब कितनी दूरी पे होगा? 2 किलोमीटर बस। 2 या 3? अच्छा मेन मार्केट में है ना इसलिए। हाँ पहले तुम गए नहीं क्या खाने? अरे गया था यार, इतना तो याद रहता है, और भी जगह जाना पड़ता है करने के लिए, एक्सप्लोर करते रहते हैं। आपको बताएंगे वहाँ क्या था, उसका यही काम है हमारा, आपके लिए मदद करते हैं। फिर भी आप सब्सक्राइब भी करते हो तो यार क्या जा रहा है? और इसकी लोकेशन है भिंड मेन मार्केट खंडा रोड के पास। और आज हम आके आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा था। तो फिर हम अंदर चलते दुकान में, फिर आपको बताएंगे कैसा स्वाद था छोले भटूरे का। उससे पहले हाथ धो लेते क्योंकि कोरोना का टाइम है, हाथ धोना जरूरी है, हाथ धोने भी चाहिए खाने से पहले। तो ठीक है छोले भटूरे खा के फिर आपको बताएंगे कैसा स्वाद था। ये हमारे भाई लोग बना रहे हैं भटूरे, देखो गर्म गर्म भटूरे बनते हैं यहाँ पे एकदम फ्रेश। और सब्जी भी छोले भी सुबह के बने होते हैं और ये जब सुबह का ख़त्म हो जाता है तो रात को और बनाते हैं शाम। करें स्टार्ट, मत इतना ही था जो कुछ था, जो भी था यहीं तक था। तो चल ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं खाने के बाद। सूखी सब्जी चाहिए क्या? सूखी सब्जी, छोले भटूरे में कब से सूखी सब्जी आने लगी? A few moments later. अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप फोन पे भी कर सकते हो। अब क्या गुप्ता जी की चाट खाएंगे? ये फेमस है क्या? लगता तो है फेमस है, मतलब मैंने सुना है यार अपने गली के बच्चों लगे चलते जो होते नहीं है ये कुछ मतलब कुछ वाले। छोले भटूरे खाने के बाद हम आए थे गुप्ता चाट भंडार में भिंड में। ये चाट वाले बहुत फेमस हैं, इनकी चाट 25 रुपए की चल रही है और ठीक है 25 रुपए के हिसाब से एकदम आपको गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाट मिलती है। हमने बोल दिया भैया को बनाने के लिए दो चाट, अभी तो व्यस्त लग रहे हैं भैया, हमारे लिए बिजी लग रहे। अच्छी तो लग रही है पर आइसक्रीम और क्या बोलते हैं चाट को ऐसी चाट अगर गुजरातों में बनाने लगे ना तो इंसान यही खाएगा। हाँ ये तो है। तो भाई आपने छोले भटूरे यहाँ के खाए थे तो आपको कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा इसका? ठीक था यार, एवरेज है, मतलब बोला जाए एकदम दिल खुश हो गया वो नहीं, लेकिन एवरेज है। अब 40 रुपए में क्या जान लोगे उसकी? जो भी मुझे ठीक है, मतलब एक बार ट्राई कर लो बस। वैसे मेरे हिसाब से 40 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक है, एवरेज है। एवरेज है मतलब बोला एकदम स्वाद हो, मतलब वो ऐसा स्वाद नहीं है। तो आप 10 में से इसको कितने नंबर देना चाहोगे अगर आप देना चाहो तो? 4 नंबर। हाँ तो आपने ये गुप्ता जी की ये चाट खाई थी और ये टिक्की पी है, साथ में आपने कुल्फी वगैरह
और साथ में आपने एक और चीज खाई थी, महंगी महंगी खा रहे हो आज। आज इतने पैसे कहाँ से रहेगा? मेरे पैसे नहीं थे, मैं तेरे को क्या मतलब थी? चलो, दो मजाक सपाट जोर सपाट जो ही बोलते हैं। अब आते टॉपिक पे, ये बताओ आपने गुप्ता जी की चाट खाई, आपको वो कैसे लगी? गुप्ता जी की चाट अच्छी है, मतलब टेस्टी है खाने में, और ऐसा है मतलब बहुत टेस्टी है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी लगी आपको? वैल्यू फॉर मनी 25 रुपए में, ठीक है। 25 रुपए में सही है। तो आपको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे गुप्ता जी चाट वाले को? 10 में से 8। ये भेदभाव की छोले भटूरे के आप 10 में से सिर्फ 6 नंबर दे रहे हो और उसको 8? अरे 8 की बात नहीं है, मतलब बात टेस्ट की है, खाने में टेस्ट होना चाहिए, उसमें टेस्ट लगा तो उस हिसाब से मैंने मतलब मेरे को सही। पैसे मैटर नहीं करते? नहीं, टेस्ट मैटर करता है। पैसे मैटर नहीं करते, फीलिंग मैटर करती है बनाने का, मतलब कैसे अपने जो ग्राहक हैं या उसके पास लोग आते हैं उन्हें कैसा मतलब सर्व कर रहा है, कैसी चीजें दे रहा है, वो मैटर करता है। चलिए हम लोग समोसा खोजते हैं बहन चोद, किधर है? एक प्लेट बनाइए हम लोग के लिए भैया। क्या डाल रहे हैं भैया आप, क्या डाल रहे हैं? समोसा इस बार छोला डाल रहा है। भाई डालिए, देखने में जितना यम्मी लग रहा है उम्मीद है उससे ज्यादा यम्मी खुद बोलोगे ना का बहन। और ये क्या भैया? प्याज है। प्याज डाल रहे हैं भैया, देखिए कितना अच्छा बनाइएगा हम लोग, मेरे लिए भी प्याज डाल दिया भैया ने। ये क्या भैया? नमक है। नमक है, देखिए ये सफेद कलर का नमक है भैया, बहुत प्यारा लग रहा है खाने में। बहन चोद धर को बहुत अच्छा भैया, कैसी लगी? आगे सामने दिख रहा है कि नमक है, तो ये नमक है वो थी हम लड़ा है लहसुन सर, सामने दिख रहा है ना, फूड ब्लॉगर बनेगा भाई। खत्म।